हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनीश कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल अनीश। आज मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि कैसे आप एक हिलने वाला फ़ोटो बना सकते हैं और उस फोटो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करके लोगों को चौंका सकते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए करना क्या, सबसे पहले आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाएं, ऊपर आपको सर्च करना है जेलीफिश, JELLIFY। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको फर्स्ट में जो कि इस टाइप का लोगो वाला ऐप दिखाई देगा। आप देख सकते हैं रेटिंग जो कि काफ़ी बढ़िया दिया गया, जो कि 4.6 का। नीचे कमेंट्स पढ़ सकते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया कॉमेंट्स दिया गया। जैसे इंस्टॉल हो जाने के बाद आपके फ़ोन के डिस्प्ले पर आपको कुछ इस टाइप का इसका लोगो दिखाई देगा। इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से इसे क्लिक करके डाउनलोडिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस ऐप्स को ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ यहाँ पर लोडिंग होगा। लोडिंग हो जाने के बाद यहाँ पर कुछ इस टाइप का पेज आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि आपको एक सैम्पल दिया गया है कि आप इस टाइप का अपना फ़ोटो में मोशन लगा सकते हैं, यानी इस टाइप का अपना फ़ोटो बना सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा न्यू पे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ यहाँ पे जो कि इस टाइप का पेज आ जाता है। उसके बाद आपको इस तीन बूंद पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आ जाता है। पहला जो कि कैमरा का, आप हैंड टू हैंड फोटो क्लिक करके उसमें मोशन डाल सकते हैं, या तो आपके पास ऑलरेडी फ़ोटो होगा तो आप उसमें मोशन डाल सकते हैं। तो चलिए मैं एक यहाँ से फ़ोटो ले लेता हूँ। फ़ोटो लेने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हैं, मतलब छोटा या बड़ा यहाँ से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जितना रखना चाहते हैं आप इतना यहाँ से सिलेक्ट करके रख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा ऊपर। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटो जो कि रेडी हो चुका है। अब जहाँ भी इस फ़ोटो में आप टच करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पर मोशन होगा। आप चाहे तो आप इसका मोशन का स्पीड बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। इस तरह जैसे जो कि स्पीड यहाँ पे बढ़ चुका है, तो आप इस तरह से यहाँ बढ़ाया घटा सकते हैं। उसके बाद आप ऊपर देख सकते हैं जो कि आपको यहाँ पे चार ऑप्शन मिल जाता है। पहला ऑप्शन जो कि रिफ्रेश का, जो कि आप जैसा फ़ोटो था वैसा ही जो कि यहाँ पे क्लिक करने से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो कि शेयर का लोगो बना, यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप फेसबुक और व्हाट्सएप पे इस फ़ोटो को शेयर कर सकते हैं। उसके बाद चाहे तो आप इस फ़ोटो को रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्लिक करना पड़ेगा शेयर पर। इसे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ यहाँ पर जो कि इफेक्ट आ जाता है जो कि मोशन का। आप चाहे तो आप या डाउन मोशन रख सकते हैं, या लेफ्ट या राइट मोशन रख सकते हैं, या तो राउंड का मोशन रख सकते हैं। जिस तरह से आपको मोशन लगाना है अपने फ़ोटो में, इस तरह से अपना फ़ोटो के मोशन लगा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका क्वालिटी मिल जाता है। आपको किस टाइप का क्वालिटी चाहिए, हाई या लो, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा नेक्स्ट पे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो कि प्रोसेसिंग स्टार्ट होगा। जब प्रोसेसिंग कम्प्लीट होने के बाद आप इस फोटो को कहीं भी शेयर कर सकते हैं। देख सकते हैं जो कि शेयर का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आप फेसबुक या व्हाट्सएप पर यहाँ से डायरेक्टली आप शेयर कर सकते हैं इस फ़ोटो को। चाहे तो आप अपने फ़ोन में यहाँ से क्लिक करके सेव करके रख सकते हैं। इस तरह से काफ़ी बढ़िया बढ़िया आप एक हिलने वाला फ़ोटो बना सकते हैं और दोस्तों को या लोगों को चौंका सकते हैं। तो चलिए मैं ये फ़ोटो दिखा देता हूँ कि किस टाइप का फ़ोटो यहाँ पे बन चुका। आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे जो कि इस टाइप का फ़ोटो यहाँ पे जो कि मोशन वाला फ़ोटो जो कि बन चुका है, जो कि इस टाइप का मोशन हो रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।